आज लोग पूर्व सहसंयोजक जो पार्टनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं पार्ट, उसमें हम लिगेंड्स के बारे में जानेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा एक हम पूर्व सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे कल भी लिया गया था और आप भी देखेंगे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। तो हम लोग जानते हैं कि यह उप सहसंयोजन परिसर है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो लिगेंड्स होता है और दूसरा जो है केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन होता है, और ये जो है आपका आयनिक परिसर है जिसमें आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक परिसर इस बड़े जो आपका वर्गाकार कोष्ठक है उसके बाद भी हो सकता है और इसके पहले भी आपका आयनिक मंडल हो सकता है। अब इसकी अगर संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना अगर हम देखें तो इसकी संरचना जो है इस प्रकार से होती है। देखिए कॉपर बीच में है और इससे जो है एक अमोनिया के चार अणु जो है कॉपर के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक उप सहसंयोजक बंध के द्वारा ये जुड़े हुए। और ये आपका सल्फेट आयन है, ठीक। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो दो प्रकार के आयन प्राप्त होंगे, एक तो आपका संकुल आयन जो कि धनावेशित है और दूसरा जो है आपका संकुल आयन प्राप्त होगा, एक आपका सामान्य आयन जैसे सल्फेट आयन प्राप्त होगा। तो अब देखिए हम लोग लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, तो उप सहसंयोजन परिसर में केंद्रीय धातु अथवा परमाणु से जो भी अणु अथवा आयन उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। तो देखिए केंद्रीय धातु कॉपर से क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया अणु जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस अमोनिया को हम यहां पर लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कल चर्चा हुआ था कि आयरन जो है वो चार साइनाइड आयन के साथ जुड़ा रहता है, तो साइनाइड आयन आयन के साथ जुड़ता है कैसे, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा, तो साइनाइड आयन को क्या कहेंगे, वो लिगेंड्स है, ठीक है ना। जैसे कल बताया था ना आपको, जैसे एफ ई है इससे जो है छह साइनाइड आयन यहां पर जुड़े होते हैं, छह साइनाइड आयन यहां पर जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड रहेगा तो यहां पर आपका माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए केंद्रीय धातु से जो साइनाइड आयन है वह उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जो भी अणु देखिए यहां पर उदासीन अणु अमोनिया है और यहां पर लिगेंड्स आपका आयन है, जो आयन है आयन है, तो आयन अथवा अणु केंद्रीय धातु से उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे अणु को या आयन को हम लिगेंड्स कहते हैं। अब ये लिगेंड्स जो है ये कई प्रकार के होते हैं, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो लिगेंड्स के जो प्रकार होते हैं तो इनका जो लिगेंड का वर्गीकरण किया जाता है वह दो आधार पर किया जाता है, एक तो आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जिस पर जो है ऋण आवेश होगा उसे हम कहेंगे ऋण आवेशित लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो ऋण आवेशित होते हैं उनको हम कहते हैं ऋण आवेशित लिगेंड, ठीक है। जैसे यहां पर उदाहरण ले सकते हैं, जैसे साइनाइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, देखिए सब पर ऋण आवेश है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं आवेशित लिगेंड्स। दूसरा धन आवेशित लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है, जैसे अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोनियम आयन SpO+,
नाइट्रोसोनियम आयन NO पर प्लस। तो देखिए अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, इन पर धन आवेश है, तो ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं धनावेशित लिगेंड। और कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो उदासीन होते हैं, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, तो ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं हम उदासीन लिगेंड्स, उदासीन लिगेंड कहते हैं। उदासीन माने जिस पर कोई आवेश ना हो, जैसे आपका अमोनिया है, H2O है, ठीक है, EN को हम एथिलीन डाई एलीन बोलते हैं, EN है, पिरिडीन है, इसको इसका सूत्र है C6H5N, इसको पिरिडीन कहते हैं, इसको एथिलीन डाई एलीन कहते हैं, इसको अमोनिया कहते हैं, ये जल है, इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहेंगे उदासीन लिगेंड्स, ठीक है। तो ये आवेश आधार पर इतने प्रकार के। और दूसरा है आपका, दूसरे प्रकार से वर्गीकरण करेंगे तो वो है आपका संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, या दंतुकता जिसको बोलते हैं, दंतुकता के आधार पर, दंतुकता को अंग्रेजी में कहते हैं डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार, ठीक है। तो संयोजकता के आधार पर या दंतुकता के आधार पर या लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको पहले हम समझेंगे। जैसे अब यहां पर जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था कि ये जो कॉपर है वह चार अमोनिया अणु के साथ जुड़ा होता है, किसमें, किस उपसंयोजक यौगिक में, तो आप कहेंगे टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट में, एक उपसंयोजक अणु के द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये संयोजकता कहिए चाहे दंतुकता कहिए, किसे कहेंगे, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अभी कहा गया कि लिगेंड्स हैं, तो ऐसा लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से केवल एक उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो, एक उपसंयोजक बंध जुड़ा हो, तो उसकी कहेंगे दंतुकता एक है, ठीक है, या उसकी संयोजकता क्या है, एक है। फिर से बचनेगा, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन जब लिगेंड से जुड़ता है, तो जब लिगेंड, ये जो लिगेंड है अमोनिया, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से केवल एक उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है, तो हम कहेंगे उसकी दंतुकता या संयोजकता एक है। तो ये केवल एक उपसंयोजक बंध के द्वारा क्यों जुड़ता है, क्योंकि अमोनिया के पास, देखिए जो NS भी लिखा है यहां पर, ये नाइट्रोजन परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है उपसंयोजक बंध बनाने के लिए कॉपर को देता है। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया के पास केवल एक ही दाता परमाणु है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसंयोजक बंध बना सकता है, तो हम कहेंगे इसकी दंतुकता कितनी है, एक है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होंगे जिनके पास दो ऐसे परमाणु होंगे, लिगेंड्स के पास जो कि दो ऐसे परमाणु होंगे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन, मतलब दो एक दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु को देकर के दो उपसंयोजक बंध बना सकता है, उसका भी उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, जैसे एक होता है कॉपर EN आयन, अब EN जो है, EN आपको ये होता है समान सूत्र जानिए, EN क्या है, जैसे अमोनिया यहां पर लिगेंड्स है उसे EN लिगेंड्स है, तो EN क्या है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2NH2, इसको कहते हैं एथिलीन, देखिए CH2 डबल बॉन्ड एथिलीन होता है, इसका समान नाम है एथिलीन डाइएमीन, या इसको हम एथेन 1,2-डायएमीन भी बोलते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि
अगर यह इसके साथ जुड़ता है, कॉपर के साथ जब एन मतलब एथिलीन डाइएथिलीन जुड़ता है, इसके पास इस एन के पास दो धाता परमाणु हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं। यहां पर एक ही नाइट्रोजन परमाणु था जो कि कॉपर को दे रहा था एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यहां पर एथिलीन डाइएथिलीन के पास दो धाता परमाणु हैं, तो ये क्या करेगा, दो उपसंयोजक बंध इसके साथ बना सकता है। कैसे बना सकता है एक बार देखिएगा, जैसे कॉपर है, अब एथिलीन डाइएथिलीन है NH2 CH2 NH2 CH2। अब देखिए इसके पास भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो ए भी जो है इसके साथ उपसंयोजक बना सकता है और ये भी बना सकता है। तो ए आपने जो लिखा है वो एक है, देखिए एक एथिलीन डाइएथिलीन है और यहां पर दो लिखा हुआ है, तो जैसे यहां पर जो है उपसंयोजक बना रहा है उसी प्रकार से इधर से भी यह उपसंयोजक बंध बना सकता है इस प्रकार से। तो अगर यहां पर हम लोग ध्यान से देखें कि देखिए एथिलीन डाइएथिलीन तो एक ही अणु है, लेकिन एक ही लिगेंड्स के पास उसकी दो धाता परमाणुओं की संख्या है और यह दो धाता परमाणु जो है केंद्रीय धातु के साथ दो उपसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी दंतुकता कितनी है, दो है। तो यही है कि दंतुकता के आधार पर ये जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से हैं उसके थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दंतुकता के आधार पर या संयुक्तता के आधार पर एक पहला है आपका एक दंतुक लिगेंड, एक दंतु को एक दंती भी बोलते हैं। देखिए जहां दंतु लिखा है वहां पर दंती भी बोला जाता है, एक दंती लिगेंड, अंग्रेजी इसको कहते हैं मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो समझ में आ गया होगा, अभी कहा गया कि ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या एक है और वह लिगेंड्स केवल केंद्रीय धातु के साथ केवल दाता परमाणु संख्या एक है, इसलिए केवल एक उपसंयोजक बंध के द्वारा जो है वह केंद्रीय धातु से जुड़ेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं एक दंतु लिगेंड्स, जैसे आपका अमोनिया है, जल है, साइनाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड है, ये आपके एक दंतु लिगेंड्स है, मतलब एक केवल दाता परमाणु जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा है द्विदंतु, द्विदंतु इसको हम अरे द्वि जैसे द्विदंती भी बोल सकते हैं लिगेंड, तो इसको क्या कहेंगे बाइडेंट लिगेंड। तो बस ऐसे परिभाषित करिए ऐसे लिगेंड्स जिसमें जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या दो है, मतलब दो ऐसे परमाणु होंगे जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक परमाणु है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकता है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं द्विदंतु लिगेंड्स। उदाहरण थोड़ा देखा जाएगा, जैसे अभी बताया गया एथिलीन डाइएथिलीन, देखिए एथिलीन डाइएथिलीन जो सूत्र बताया गया यहां पर ईएन, देखिए जो एथिलीन डाइएथिलीन बताया गया ये आपका देखिए ए नाइट्रोजन और यह नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन जो है देखिए यहां पर दिखाया गया है कि दोनों नाइट्रोजन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को ए इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो हम कहेंगे इसकी दंतुकता कितनी है, दो है, तो ऐसे लिगेंड्स हम कहते हैं द्विदंतु लिगेंड्स, जैसे ईएन जिसको कहते हैं एथिलीन डाइएथिलीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। और भी देखिएगा ग्लाइसिनेट आयन NH2CH2C(OO-), तो यहां पर देखिए यह ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ये दोनों जो है वह इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं अर्थात दाता परमाणु संख्या दो है, तो ग्लाइसिनेट आयन भी जिसको क्या कहते हैं ग्लाइसिनेट आयन, ये भी जो है द्विदंतु लिगेंड्स का उदाहरण है। देखिए ऑक्सलेट आयन C(OO-), C(OO-), ऑक्सलेट आयन को बोलते हैं
तो यहाँ भी यह ऑक्सीजन और यह ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अर्थात इसमें भी दाता परमाणु की संख्या दो है। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु संख्या दो होगी उससे हम द्विध्रुव ऑक्सीजन कहेंगे। अब उदाहरण आपके सामने है। इसी प्रकार से द्विदंतु के बाद आता है बहुदंतुक लिगेंड्स। बहुदंतु कहिए चाहे बहुदंती कहिए, लिगेंड इसको कहते हैं पॉलीडेंट, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो नाम से स्पष्ट होगा कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या दो से अधिक हो उसे हम कहेंगे बहुदंतुक लिगेंड्स। देखिए उदाहरण यहां पर कुछ दिखाया जा रहा है। जैसे इसका नाम है, देखिए एथिलीन है तो एथिलीन सीएच टू सीएच एथिलीन होता है। इसका नाम है एथिलीन ट्राइएमीन, एथिलीन ट्राइएमीन। इसमें देखिए दाता परमाणुओं की संख्या जो है ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये तीनों नाइट्रोजन जो है ये दाता परमाणु है और तीनों जो है केंद्रीय धारक परमाणु को आयन को इलेक्ट्रॉन दे करके ऊर्जा संयोजक बंध बनाएंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को कहेंगे बहुदंतुक। और चूंकि यहां पर इसकी दंतुकता कितनी है तीन, इसको त्रिदंतुक लिगेंड्स कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, ये देखिए जो दिखा रहे हैं ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। यहां पर जो है ये चार नाइट्रोजन परमाणु ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है केंद्रीय धारक परमाणु को दे सकते हैं। तो यहां पर दाता परमाणु संख्या चार है इसलिए इसको चतुर्दंतुक लिगेंड्स कह सकते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कह सकते हैं। और इसका नाम है देखिए यहां पर ट्राइएथिलीन, एक दो तीन ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, चार यहां पर है आपका इसलिए टेट्राएमीन। ये आपके बहुदंतु लिगेंड्स के उदाहरण हैं। और देखेंगे देखिएगा, तो यहां पर ये नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन और ये यहां पर माइनस लगा है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। मतलब यहां पर पांच ऐसे परमाणु हैं जो कि दाता परमाणु की संख्या है, अर्थात यह पांच परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं केंद्रीय परमाणु को। तो इसको कह क्या कहेंगे, पंचदंतुक लिगेंड्स या बहुदंतुक लिगेंड्स के अंतर्गत आएगा। और इसका नाम है, इसको सामान्य शॉर्ट करके कहते हैं ई डी पी ए। और ईडीपीए के ऊपर कितना माइनस है, देखिए एक माइनस यहां पर है, एक माइनस यहां पर है, यहां पर लिख देते हैं माइनस थ्री। इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसिटेट आयन। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसिटेट आयन। और ये होता है EDPA पर माइनस फोर हो जाता है तो उसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन, और ट्राई के जगह टेट्रा हो जाता है। तो उसका संरचना सूत्र यह है, देखिएगा CH2 EN
सिंगल बॉन्ड CH2 CN CH2 C डबल ओ पर माइनस और CH2 C डबल ओ पर माइनस, और यहां ये CH2 C डबल ओ पर माइनस CH2 C डबल ओ। तो देखिएगा यहां पर दाता परमाणु संख्या कितनी है, देखिए ए दो नाइट्रोजन हो गया, तीन चार पांच छह, तो छह दाता परमाणु संख्या है, तो इसको सिस्टम क्लियर कर सकते हैं। और इसका नाम है जैसे यहां पर लिखे थे एथिलीन डाई एमिड और ट्राई एसिटेट था, यहां पर आपका चार है तो टेट्रा एसिटेट, ट्राई की जगह टेट्रा एसिटेट आयन कर देंगे। और इसको शॉर्ट कट में हम लोग लिखते हैं ई डी पी ए और माइनस ओ, एथिलीन डाई एमिड टेट्रा एसिटेट आयन, ये आपके बहुतल्पक लिगेंड्स के उदाहरण है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और यहां पर देखिए हम लोग लिगेंड्स के अलावा, लिगेंड्स के अलावा देखिए किलेट और किलेटीकरण, किलेट व किलेटीकरण, तो अभी देखिए उदाहरण लिया गया था जिसका सूत्र बताया गया था सी यू एन ट्वाइस और यहां पर प्लस हो गया। तो यहां पर देखिएगा अभी कहा गया कि ईएन क्या है, यह आपका द्विदंतु लिगेंड्स है, तो जब द्विदंतु या बहुदंतु लिगेंड्स, जब द्विदंतु या बहुदंतु लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो या दो से अधिक उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, फिर सुनिएगा, जब द्विदंतु या बहुदंतु लिगेंड्स दो या दो से अधिक उपसंयोजक बंध के द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं, तो ये देखिए रिंग का निर्माण होता है, लेकिन एक एक वलय बनता है, एक रिंग बनता है, इसी वलय को हम किलेट कहते हैं, इसी वलय को जो वलय बना है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं ये वलय बनता है, इसी को हम कहते हैं किले। फिर सुनिएगा, जब द्विदंतु या बहुदंतु लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो या दो से अधिक उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके एक वलय का निर्माण करते हैं, तो इस वलय को हम किलेट कहते हैं। देखिए एक किलेट यहां भी बना, एक किलेट यहां बना, और इस क्रिया को हम किलेटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया गया कि आपका विष एथेन, इसका नाम है 20 एथेन 1-2 डाइएमिन कॉपर आयन, तो इसके अंतर्गत ये आपका जो एथिलीन डाइएमिन है, एथेन 1-2 डाइएमिन है, यह जो है केंद्रीय धातु परमाणु मतलब कॉपर से जुड़ करके इस रिंग का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्रिएट करते हैं और इस क्रिया को हम क्रिएटीकरण करते हैं। किसी भी उपसंयोजक यौगिक में और ये जो बना यौगिक है इसको हम किलेट संकुल करते हैं, किलेट कॉम्प्लेक्स करते हैं, और ये जो उपसंयोजक यौगिक बनता है जिसके अंतर्गत किलेट का निर्माण होता है, तो ये जो किलेट है जो वलय बनता है इसके कारण जो उपसंयोजक यौगिक होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, मतलब अस्थायी होता है, मतलब किलेट क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उनके जो है स्थायित्व को बढ़ाने का काम करते हैं। जितने अधिक किलेट का निर्माण होगा किसी उपसंयोजक यौगिक में वह किलेट जो है वह जो संकुल होगा वह बहुत ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिगेंड्स और किलेटीकरण के बारे में हम लोग चर्चा की है, इसको हम ध्यान पूर्वक देख करके और नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।